हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो 24 अप्रैल आप सभी बच्चों के लिए बड़ी खबर, यूई सेमेस्टर 1 सेशन 22-26 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ यूई सेमेस्टर 3 सेशन 21-24 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे आर्ट्स के विद्यार्थी हो, कॉमर्स के विद्यार्थी हो, साइंस के विद्यार्थी हो, सभी के लिए देखिए रिजल्ट पर बड़ी अपडेट है। और साथ ही साथ अब आपके रिजल्ट के बिना यहाँ पर मैंने डॉट 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 कुछ लगा दिया है, क्या ये बातें हैं, ये सारी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, ताकि इसी प्रकार आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल का मिलता रहे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नोटिस पे आप लोग जरा सा गौर फरमाइएगा, ये केजीएम कॉलेज निरसा का एक नोटिस जारी किया गया है, जो एक एफिलिएटेड कॉलेज है अंडर बीबीएमक्यू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया, आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और ये नोटिस 20/4/2023 को आया था, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों के कारण मैंने आप सभी बच्चों को ये नोटिस के बारे में वीडियो नहीं बताया। अभी मेरे पास समय मिला तो मैं आपको बताऊं क्या है ये नोटिस। आप लोगों को लग रहा है एडमिशन नोटिस है, लेकिन पूरा पढ़ते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो यहां पर यूई सेमेस्टर 1 बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए, आर्ट साइंस कॉमर्स, सेमेस्टर 2 यानी आप सभी बच्चे जो भी सेशन 22-26 में पढ़ रहे हैं, और सेमेस्टर 4 यानी सेशन 21-24 के जो बच्चे हाल ही में यूई सेमेस्टर 3 की परीक्षा देखे, उन सभी को सूचित किया जाता है कि अपना अपना नामांकन कॉलेज वेबसाइट, जो केजीएम कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाके अपना बायोडाटा यानी फॉर्म को आपको फिल करना है और पेमेंट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और यहां पर बोला गया है कि पेमेंट यूपीआई मोड में किए जाना, यानी आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा ना वो यूपीआई के थ्रू करना पड़ेगा। यहां बोला गया यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जिस पे थ्रू करना चाहता है आप कर सकते हैं। और पेटीएम बेसिकली पेमेंट करने के बाद आपको उसका हार्ड कॉपी यानी ऑनलाइन पेमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, 21 तारीख से लेकर 15 मई तक आपको अपने कॉलेज के काउंटर में आवश्यक रूप से जमा करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल सर का साइन भी है, डेट आप देख पा रहे होंगे, और हेड क्लर्क का भी यहाँ सिग्नेचर किया हुआ। अब इस नोटिस से क्या क्लियर होता है, चलिए वो पहले बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि देखिए मैंने आप सभी बच्चों को थंबनेल में बताई दिया कि जैसा कि आप सभी भी जानते होंगे ये बात कि बिना रिजल्ट के देखिए एडमिशन नहीं होता, लेकिन केजीएम कॉलेज निरसा और कुछ प्राइवेट कॉलेज है, जैसे शायद जहां तक मुझे नाम याद आ रहा है आरवीएस कॉलेज चास है, ठीक है, दो कॉलेज हैं जहां पर क्या होता है ये कॉलेजों में कि बिना रिजल्ट के यहाँ एडमिशन लिया जाता है। और अगर आप खुद बताइए कि अगर कोई बच्चा, भगवान करे कि वो बच्चा कभी किसी के साथ घटना ना हो, लेकिन किसी गलतीवश किसी बच्चे का त्रुटिपूर्ण अगर उनका रिजल्ट में फेल आ जाता है, ठीक है, जैसा कि यूनिवर्सिटी ने बोला कि यू सेमेस्टर 1 यू सेमेस्टर 3 यू सेमेस्टर 5 फेल नहीं करेगा, लेकिन पिछले साल के सेशन के बच्चों के साथ ऐसा हुआ था, इसलिए देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चे का रिजल्ट में देखिए बाई चांस गलती से फेल आ जाता है, तो क्या ये कॉलेज वाले उन बच्चे का पैसा रिटर्न करेंगे, या फिर जब वो एक साल बाद एग्जामिनेशन देंगे, क्योंकि फेल होने के बाद यहां पर रोक दिया जाता है। ये नहीं कि बच्चों, जैसे कि अभी नई शिक्षा नीति हमें ये कहती है कि आप किसी बच्चे को रोकिएगा नहीं, आप उसे अगले सेमेस्टर में जाने के लिए अगले सेमेस्टर जाने दीजिएगा, यानी प्रमोट कर दीजिएगा, उसके बाद वो पिछले साल के जितने सारे जो भी प्रमोट लगा हुआ है वो बेसिकली क्लियर करता चलेगा। ये हमारा नया शिक्षा नीति कहता है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप ये पढ़ सकते जाके उनके बारे में। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में ये हुआ था 21-24 सेशन के बच्चों के साथ कि उनको देखिए यहाँ पर लटका दिया गया था। तो अगर बाय चांस किसी बच्चे का यू सेमेस्टर अभी अगर सेमेस्टर 2 में एडमिशन करा रहे हैं या सेमेस्टर 4 में, तो फेल अगर आ जाता रिजल्ट में उनका सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 3 में, तो क्या ये कॉलेज वाले क्या उनका पैसा लौटाएंगे, या फिर ये कॉलेज वालों को देखिए ये मालूम होगा कि सभी बच्चे जो है पास है, तभी ऐसा हो सकता है ना। दो ही प्रकार के देखिए हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि या तो सब बच्चा पास है, या तो क्या बोलते हैं एक साल बाद किसी बच्चे को अगर बाय चांस फेल आता है तो उसका एडमिशन करने दिया जाएगा। ये दोनों बातें देखिए कॉलेज वालों और यूनिवर्सिटी वालों को मालूम होना चाहिए, तभी ना कोई भी जानकारी जारी हो सकता है। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पर आप सभी बच्चों के रिजल्ट में लिखा हुआ है, थर्मल आप सभी बच्चे पढ़ सकते हैं कि अब होगा बिना रिजल्ट, यानी क्या यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आप सभी बच्चों के एडमिशन की। देखिए जो भी एफिलेटेड कॉलेज है, याद रखिएगा मान्यता प्राप्त जो वर्तमान में, ज़्यादा समय नहीं हुआ उन कॉलेजों को, ठीक है, उन सभी कॉलेजों में याद रखिएगा वहाँ पर एडमिशन होगा, लेकिन वहाँ हर साल एडमिशन होगा। हर साल कहने का फर्क है 6-6 महीने के इंटरवल पे, यानी हर सेमेस्टर आपका जो होगा वहाँ एडमिशन आपको करवाना पड़ेगा पेमेंट। लेकिन वहीं पर अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कराते हैं, जैसे आरएस मोड, पीके रॉय, एसएनटी महिला कॉलेज, वहाँ पे आपको देखिए एक साल में एक ही बार एडमिशन कराना होता है। तो ये कुछ खासियत है देखिए गवर्नमेंट कॉलेज और ये एफिलेटेड कॉलेज जो वर्तमान में चल रहे हैं उनकी में दिक्कत है। अब बात है कि आप सभी बच्चों को देखिए जो रिजल्ट है वो कब जारी हो जाएगा, तो जैसा कि मैंने आप सभी बच्चों को यहाँ नोटिस में बताई दिया कि ये तो शायद कॉलेज वालों को मालूम हो गया होगा कि आप सभी बच्चों का जो रिजल्ट है वो
15 तारीख से पहले आ रहा है तभी बच्चा, देखिए वो भी बच्चा पेमेंट करेगा तो एश्योर होगा पहले कि हाँ मैं रिजल्ट में पास हूँ तभी नहीं करने जाऊँगा। एक साल पहले पेमेंट करके कौन रखता है भैया। तो याद रख लीजिए आप सही बच्चों का जो रिजल्ट है, देखिए पहले बता रहा हूँ एक पेपर आपका बाकी था हेल्थ वेलनेस एंड योगा वाला, वो जहाँ तक सुनने में आया कि वो कॉपी चेक हो चुका है, तो मे भी चांसेस है कि आपका मई के फर्स्ट वीक में या फिर 1-2 मई के टाइम तक आपका जो रिजल्ट है वो यूनिवर्सिटी वाला जारी कर सकता है। बाकी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको क्लियर करता चलूंगा, चाहे आप यूई सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हो चाहे यूई सेमेस्टर 3 में पढ़ रहे हो। देखिए रिजल्ट दोनों का ही मायने रखता है। यूई सेमेस्टर 1 वालों का एग्जामिनेशन खत्म हुआ, इतना दिन हो चुका, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया, सिलेबस नहीं है केमिस्ट्री ऑनर्स का। एक बच्चे का कमेंट भी था मेरे पास कि सर मैं आपसे आप मुझे क्या सेमेस्टर 2 केमिस्ट्री ऑनर्स का मेजर पेपर का सिलेबस प्रोवाइड कर सकते हैं, आई बेग टू, उन्होंने ऐसा लिखा। मेरे पास शब्द नहीं है देखिए उनके पास कुछ जवाब देने, क्या जवाब दूं बताइए। यूनिवर्सिटी वाला जब सिलेबस जारी नहीं कर सकता तो मैं उनको अपने हिसाब सिलेबस तो दिया नहीं कर सकता, इसलिए मैंने देखिए उनको रिप्लाई कर दिया कि मेरे पास देखिए सिलेबस अवेलेबल है, अगर मेरे पास सिलेबस अवेलेबल रहता तो सबसे पहले मैं आपसे बच्चों को प्रोवाइड कर देता, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ साझा कर दी, आशा करूंगा कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर करने में कोई भी कमी मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और राइट हैंड कॉर्नर पे देखिए आपको बेल आइकन का ऑप्शन मिलेगा, वहां क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको हमें चलकर मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।